तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी बीकॉम रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि बीकॉम का रिजल्ट तो आ चुका है, फर्स्ट ईयर वालों का आया है। क्योंकि बीकॉम का जो रिजल्ट यानी कि एग्ज़ाम हुआ था वो काफ़ी पहले हुआ था, इसलिए फर्स्ट ईयर वालों का रिजल्ट आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिजल्ट कैसे देखना है, और अदर बीए बीएससी वालों का कैसे कब रिजल्ट आएगा, क्या है पूरी प्रोसेस, मैं आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है। तो मैं इस समय राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हूँ, ठीक है। अगर जिन स्टूडेंट को नहीं मालूम है, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पर आ जाइए नीचे, उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट मार्कशीट पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जो कि इस तरह दिखेगा। थोड़ा नेट मेरा स्लो है, इसलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। तो फाइनली आप लोगों को कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा, उसके बाद यहाँ पर व्यू रिजल्ट दिखा है, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करना होगा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यहाँ, लेकिन अभी सिर्फ बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों का आया, क्योंकि इन लोगों का एग्ज़ाम पहले हुआ था। इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को सीरियल नंबर, कॉलेज का कोड और प्लस कॉलेज के नेम और रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख लीजिए आपने किस कॉलेज से थे, कहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया था। तो सारे यहाँ पर कॉलेज के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो आप सारे कॉलेज का नाम देख लीजिएगा, जो भी आपका कॉलेज हो, क्योंकि सभी स्टूडेंट के सब अलग अलग कॉलेज हैं, ठीक है। उसके बाद आप रिजल्ट पे क्लिक करिएगा, जैसे पहला वाला है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे साइड में क्लिक कर दीजिएगा व्यू रिजल्ट पे, ओके, जैसे आपका कॉलेज ही है। उसके बाद आप लोगों को अपना रोल नंबर इंटर करना है, ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर हो। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर शो रिजल्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। शो रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर डाउनलोड करने में या फिर देखने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा अपना रोल नंबर, तो मैं उसका सलूशन कर दूंगा, ठीक है, कि कैसे देखना है, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आप और बोल दूँ आप लोगों को ये कि बी ए बी एस सी वालों का रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, अभी बी ए बी एस सी वालों के जो एग्ज़ाम है वो चल ही रहे हैं, ठीक है, इसलिए अभी उनके रिजल्ट में देरी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन फिलहाल जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई भी जानकारी आती है, मैं आप तक पहुँचा दूँगा। उसके लिए आप टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब रिजल्ट आना स्टार्ट, अब एग्ज़ाम इंड भी होने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, और रिजल्ट इस बार जल्दी आएंगे क्योंकि एग्ज़ाम भी जल्दी हुए। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आपके ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो मैं जो भी रिजल्ट आएगा मैं उसकी इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ कोई भी रिजल्ट की या नोटिफिकेशन की, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, इसलिए ये प्रोसेस आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है बेशक कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।